हाल ही में एक व्यक्ति ने ये दावा किया कि वो 2047 से 2022 में टाइम ट्रेवल करके आया है, और आश्चर्य की बात यह है कि उसने इसे साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिखाए जिसे देखकर सच में लगता है कि वो टाइम ट्रेवलर है। तो क्या है उस टाइम ट्रेवलर की कहानी, आइए जानते हैं। असल में जो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वो टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में आया है, वो अपना नाम माइक विलियम्स बता रहा है। माइक विलियम्स के अनुसार वो एक वर्चुअल रियलिटी बनाने वाली कंपनी में काम करता था जो कि 2025 में मशहूर होने वाली। उसने ये बताया कि उस कंपनी ने साल 2045 में टाइम मशीन का निर्माण कर लिया जिसमें उसका भी बहुत योगदान था। उसके अनुसार टाइम मशीन तो बन गई थी लेकिन उसमें एक कमी थी। कमी ये थी कि टाइम मशीन सिर्फ पास्ट में ही जा सकती, फ्यूचर में नहीं। टाइम मशीन के बनाने के बाद इसका परीक्षण सबसे पहले मीट और चूहों पर किया गया जो सफल भी रहा। फिर उसने ये कहा कि टाइम मशीन बनने के बाद 28 दिसंबर 2046 में कंपनी से उसका काफी विवाद हो गया, और जब उसने अपना शेयर मांगा तो उन्होंने उसे शेयर दिए बिना कंपनी से निकाल दिया और उसके द्वारा किए गए सभी कामों को भी रख लिया। फिर उसने ये ठाना कि जो उसने कंपनी में काम करके उसे इतना आगे बढ़ाया है वो उस गलती को जरूर सुधारेगा। फिर उसने टाइम मशीन से जुड़ी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। सभी जानकारियां लेने के बाद वो 4 जनवरी 2047 को टाइम मशीन के जरिए 2022 में चला आया। ये जो कहानी मैंने आपको अभी बताई है वो हवा में नहीं बताई, माइक विलियम्स ने खुद अपेक्स टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर ये बात कही है, और वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ में बने एक टैटू को भी दिखाया है जो कि उस माइक के हाथ में भी था जो वर्तमान में जी रहा है। अब बात हो गई अपेक्स टीवी नाम के यूट्यूब चैनल की, चलिए अब बात करते हैं हम अपन। अब देखो ये शख्स टाइम ट्रेवल करके 2022 में आया और इस समय चल रहा है 2023। आखिर वो जब 2022 में ही आ गया था तब इसका खुलासा क्यों नहीं किया? चलो यहाँ तक मान लेते हैं कि कोई कारण रहा होगा इसलिए उसने इसका खुलासा 2022 में नहीं किया था। लेकिन अगर ये सच में टाइम ट्रेवलर है तो इन्हें अपने चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? असल में अपेक्स टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर जिस पर इन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी बताई है उस पर इनके चेहरे को ब्लर किया गया है। अब अगर आपको अभी भी ये सच लग रहा है तो आप अपेक्स टीवी नाम के चैनल को जरूर देखें। इस पर जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है उन सभी में कोई ना कोई टाइम ट्रेवल करके आया है, मतलब कि सभी टाइम ट्रेवलर सिर्फ इन्हीं को मिलते हैं, बाकी दुनिया के जितने भी चैनल हैं उन्हें नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल भी इस टाइम ट्रेवलर की कहानी को अपने आर्टिकल में छाप रहे हैं और लास्ट तक ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है।